हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली हेल्थ टिप्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे वन टाइम सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी कंप्लीट हेल्थ गाइड वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए शहनाज हुसैन हेयर केयर टिप्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि हम सभी को पता है, बाल हमारे पर्सनैलिटी का अहम हिस्सा है। इसीलिए बालों को चमकाने और साथ ही इन्हें हेल्दी रखने के लिए खास करके महिलाएं क्या कुछ नहीं करती हैं, है ना फ्रेंड्स? जी हाँ, वहीं बालों से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी हैं जो कि जल्दी पीछा नहीं छोड़ती हैं, और डैंड्रफ इनमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। वैसे डैंड्रफ की प्रॉब्लम तो कई सारे लोगों में रहती हैं, लेकिन फ्रेंड खास करके सर्दियों के मौसम में ठंड बढ़ने की वजह से हमारा स्कैल्प ज्यादा ड्राई होने लगता है, जिस वजह से ही डैंड्रफ की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही फ्रेंड धूल, पोल्यूशन और साथ ही खराब डाइट का असर भी हमारी बॉडी पर पड़ता है, जिनके कारण भी डैंड्रफ होने लगती हैं। ऐसे में फ्रेंड्स, अगर सही समय पर इसके उपायों को जान लिया जाए तो इस प्रॉब्लम को कंट्रोल में किया जा सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको बालों से रूस या फिर डैंड्रफ को हटाने के लिए शहनाज हुसैन के टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, इन उपायों को ट्राई करने के बाद आप टेंशन फ्री होकर ब्लैक टॉप भी पहन पाएंगी, क्योंकि फ्रेंड्स अब आपके बालों से रूसी यानी के डैंड्रफ आपके कपड़ों पर नहीं गिरेगी। तो चलिए जान लेते हैं डैंड्रफ से छुटकारा पाने के शहनाज हुसैन के टिप्स के बारे में। सबसे पहला उपाय है फ्रेंड्स, रोजमेरी का तेल। जी हाँ, इस रेमेडी को रेडी करने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो है रोजमेरी का तेल, गुलाब जल और साथ ही रुई यानी की कॉटन। चलिए फ्रेंड्स, अब जानिए इसे लगाने का तरीका क्या है। इसके लिए आप सबसे पहले रोजमेरी के तेल की 5 बूंदों को 50 मिलीलीटर गुलाब जल यानी कि रोज वाटर में मिक्स कर लीजिए। अब आप इसे अच्छी तरह से हिलाएं और इसे एक टाइट ढक्कन वाली कांच की बोतल में रख लीजिए। फ्रेंड्स, शैम्पू के बाद स्कैल्प पर रुई यानी कि कॉटन का उपयोग करके इसे बालों में लगाएं और इसे छोड़ दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, और इस रेमेडी को रोजाना कुछ दिनों तक करने से आपकी रूसी की समस्या खत्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाले उपाय में आप गेंदे के फूल का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, इस उपाय में आप मुट्ठी भर गेंदे के फूलों को ले लीजिए, और अगर फ्रेंड्स फूल सूखा हुआ है तो भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अब आप एक बाल्टी यानी कि बकेट में 3 मग गर्म पानी के डाल दीजिए और इन फूलों को इस गर्म पानी में 1 घंटे तक डालकर रखिए। 1 घंटे में पानी ठंडा होने पर इसे छान लीजिए और बाल धोने के लिए इस्तेमाल करें। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसके इस्तेमाल के कुछ दिनों बाद ही आपके ऑयली हेयर से रूसी छुमंतर हो जाएगी। नेक्स्ट वाला उपाय है फ्रेंड्स, हीना ट्रीटमेंट। जी हाँ, हीना ट्रीटमेंट रूसी को रोकने में सहायता करती हैं और बालों की देखभाल में भी सहायक होती हैं। इसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो है नींबू, अंडे, मेथी पाउडर, चाय पत्ती और साथ ही कॉफी पाउडर और हीना पाउडर। अब जानिए इस मिश्रण को लगाने और सती बनाने की विधि क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप चाय पत्ती को पानी में उबालकर चाय के पानी को तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स, आप चाय के पानी को ठंडा होने दीजिए और उसे छान लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, अब आप सबसे पहले 4 चम्मच नींबू का रस, कॉफी पाउडर और सती 2 कच्चे अंडे, 1 चम्मच मेथी पाउडर और सती पर्याप्त चाय के पानी को हीना पाउडर में डालकर एक अच्छा सा थिक पेस्ट बना लीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जब ये थिक पेस्ट बनकर रेडी हो जाए तो अब आप इस हीना के पेस्ट को अपने बालों पर लगा लीजिए और इसे अपने बालों पर 1 घंटे के लिए ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपने बालों को धो लीजिए। और अगर फ्रेंड्स आप इस उपाय में अंडे का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप इस उपाय में चाय के पानी को ज़्यादा मिला लीजिए। दोस्तों, ये उपाय ना केवल रूसी या फिर डैंड्रफ को हटाने में हेल्प करता है, बल्कि फ्रेंड्स ये हमारे बालों की कंडीशनिंग करके उसे ताकत और सती शाइन यानी की चमक भी प्रदान करता है। इसीलिए फ्रेंड, डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए आप इस उपाय को जरूर ट्राई कीजिए। दोस्तों, डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए नेक्स्ट वाली रेमेडी है तुलसी की यानी की बेसिल लीव्स की। जी हाँ, इस रेमेडी को रेडी करने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो है तुलसी की कुछ पत्तियाँ, 2 चम्मच आंवला पाउडर और साथ ही फ्रेंड्स आपको चाहिए 2 चम्मच के करीब पानी। अब जानिए इस रेमेडी को बनाने की विधि क्या है। सबसे पहले आप सभी सामग्रियों को एक साथ मिला लीजिए जिससे कि एक मुलायम पेस्ट तैयार हो सके। अब आप इस पेस्ट को बारीकी से अपने सिर की त्वचा पर लगाएं और 1/2 घंटे के लिए फिर इसे ऐसे ही लगा हुआ रहने दीजिए। फिर अपने बालों को ताज़ा पानी से धो लीजिए। और फ्रेंड्स, आप याद रखिए, सुबह को नहाने से पहले ही आप इस उपाय को आजमाएं। और फ्रेंड्स, वैसे आपको बता दें कि तुलसी की पत्तियां कई सारे प्राकृतिक सामग्रियों में से एक है,
जो कि डैंड्रफ का इलाज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके एंटी फंगल और सभी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज डैंड्रफ का इलाज बहुत तेज़ी के साथ करते हैं और साथ ही फ्रेंड्स आपके हेयर्स की मजबूती को भी सुधारते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स आप इस उपाय को भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला उपाय है फ्रेंड्स मुल्तानी मिट्टी यानी कि फुलर्स अर्थ। जी हाँ, इस रेमेडी को रेडी करने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो है 1 कप मुल्तानी मिट्टी, 2 से 3 चम्मच नींबू का जूस और साथ ही आपको चाहिए पानी। चलिए जानते हैं इसे बनाने की विधि क्या है। इसके लिए फ्रेंड्स आप सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी में कुछ मात्रा में पानी को डालें और एक मुलायम सा पेस्ट तैयार कर लीजिए। फिर आप उसमें नींबू का जूस यानी कि लेमन जूस भी मिक्स कर दीजिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स अब आप इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स करने के बाद सिर की त्वचा और सभी बालों में से अच्छे से लगा लीजिए। अब आप इस मिश्रण को 20 मिनट के लिए ऐसे ही लगा हुआ रहने दीजिए। फिर इसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। फ्रेंड्स याद रखें नहाने से पहले आप इस उपाय को आजमाएं। वैसे फ्रेंड्स आपको बता दें कि मुल्तानी मिट्टी हमारे सिर की त्वचा से तेल यानी कि ऑयल, ग्रीस और साथ ही गंदगी को खींच लेती हैं, जिसकी वजह से डैंड्रफ पनपती हैं। जी हाँ, यह सिर की त्वचा का रक्त परिसंचारण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन भी सुधारती हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम से बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा, इसीलिए फ्रेंड्स आप इस उपाय को भी ट्राई कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट वाला उपाय है अदरक यानी कि जिंजर। जी हाँ, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो है कुछ मात्रा में अदरक, 3 से 4 चम्मच तिल का तेल। अब जानिए इस रेमेडी को बनाने की विधि क्या है। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप अदरक को छील लीजिए और फिर उसे घिस लीजिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स आप एक कपड़े को लीजिए और उसमें अदरक को रख दीजिए और फ्रेंड्स आप उस कपड़े को निचोड़ें जिससे कि उसका सारा रस निकल जाए। अब आप इस अदरक के रस और साथ ही तिल के तेल को एक साथ मिक्स कर लीजिए। मिलाने के बाद फ्रेंड्स आप इस मिश्रण को सिर की त्वचा पर लगा लीजिए और फ्रेंड्स हल्के हल्के से फिर आप मसाज कीजिए। कुछ देर के लिए मिश्रण को ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप शैम्पू से अपने बालों को धो लीजिए। आप इस उपाय को नहाने से पहले ज़रूर आजमाएं। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अदरक में सूजन रोधी गुण यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं और वो गुण बालों को भी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स अदरक के उत्तेजित करने वाले गुण जैसे कि वोलाटाइल तेल डैंड्रफ को दूर रखता है, इसीलिए आप इस रेमेडी को भी ट्राई कर सकते हैं। सबसे लास्ट वाला उपाय है फ्रेंड्स एलोवेरा जेल। जी हाँ, बालों से डैंड्रफ को हटाने के लिए एलोवेरा जेल काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे सर के स्कैल्प में कई बार फंगल इन्फेक्शन होता है जिसकी बालों में रूसी यानी कि डैंड्रफ पैदा हो जाती हैं, तो ऐसे में एलोवेरा जेल एक तरह से एंटी फंगल की तरह काम करता है जिससे रूसी ख़त्म हो जाती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे इस्तेमाल करने के लिए आप नहाने से 20 मिनट पहले एलोवेरा जेल यानी कि एलोवेरा के गुदे को अपने सिर पर लगा लीजिए और 20 मिनट के लिए इसे छोड़ने के बाद आप अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर लीजिए। इससे फ्रेंड 2 से 3 दिनों में ही आपको अपने डैंड्रफ से छुटकारा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए शहनाज हुसैन के हेयर केयर टिप्स। अगर आपको भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई है तो आप इन उपायों में से कोई भी एक उपाय को ट्राई कर सकते हैं और डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए और अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तब तक के लिए ईच हेल्दी एंड स्टे फिट। बाय।